पेड़ आर्टिस्ट है यो। आप मेरा ख्याल लगता, मैंने अभी किसी ने मुझे पढ़ाया, वो अपना किसी ने खोला था नेट, तो सारी इन्फॉर्मेशन ही गड़बड़ गलत होती है है। सब नहीं, मैं कुछ। यात्री में नौकरी करता था जी और आज तक एक्टिंग का पैसा नहीं कभी मिला। वहाँ पर झाड़ू लगाना पड़ता था, वहाँ पर सेट बनाने पड़ते थे, वहाँ ये सब बैक स्टेज का काम करो, तो उसके लिए नौकरी रखी गई थी। और हम लोग दो तीन लोग थे, एक नहीं थे। और सब, और बेसिकली वो इंग्लिश ग्रुप था, वो मैं हिंदी में करता था प्लेस, तो मुझे चांस नहीं मिला वहाँ पर काम करने का। और सिर्फ बैक स्टेज के लिए ही नौकरी रख गई थी काम पर। वो किसी दोस्त ने उनको सजेस्ट किया और वो फ़ोन आया कि श्याम बेनेगल मिलना चाहते हैं, तो मैं मिलने आ गया और उन्होंने फिल्म में काम दे दिया बस। वो उस वक्त, अगर आप, मैं बताऊं क्या, सभी ने देखी होगी जो उस वक्त लोगों ने, तो वो तेलंगाना मूवमेंट की शुरुआत, उससे लिंक जुड़ा हुआ था। और फिल्म एक्चुअली ये वाकया गुजरा था, और वाकया जब गुजरता है तो कोई ऐसी भी चीज़ बनाई, श्याम बेनेगल वगैरह जो फिल्में बनाते हैं उन्हीं पर ही लोग ज़्यादा चौकन्ने रहते हैं कि भैया सरकार भी चौकन्नी रहती है, फलाने भी कोई बात ऐसी ना। वो एक सही वाकया गुजरा था, उस पर वो फिल्म बनी थी। जैसे वो फिल्म जब फेस्टिवल में जा रही थी तो ऑब्जेक्ट लगाया, ये कहा गया कि, मुझे ये याद है अभी तक, कि उधर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से आए थे कि ये एक लिखा जाए कि ये ऐसी बातें, ये आज़ादी से पहले का किस्सा है, आज़ादी के बाद हमारे हिंदुस्तान में अब ऐसी चीज़ें नहीं होती। मतलब एक हमारे इतने अजीबो किस्म के वहाँ बैठे हुए लोग होते हैं कि वो मेक ऑब्वियस कि ऐसी चीज़ें अभी ही होती हैं। तो खैर, ये तो छोटे छोटे किस्से हमारे ब्यूरोक्रेसी के और उसके चलते ही रहते हैं। मुझे बस यही ज़्यादा उसके साथ जुड़ा वक्त याद आता है, उससे मेरी शुरुआत हुई थी। नहीं, ये तो उनके बारे में बोलना, अब क्या सभी इज एज प्रूव्ड हिमसेल्फ, तो ऐसी बात कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल मैंने उनके साथ 13 या 14 फिल्में की हैं और हमेशा बहुत मज़ा आता है करने में। ये सब फन वर्किंग, एक माहौल बहुत अच्छा होता है, एक पिकनिक भी होती है, काम भी सीरियस होता है।